नमस्कार। काफ़ी दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो हमारे पास ऐसा कुछ था भी नहीं और मैं काफ़ी दिन से बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। हमने एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं आप सबके लिए, जिसका नाम है रुद्रा 9। तो मैं आज उसी की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि वो कैसे वर्क करता है और कितनी डेप्थ तक काम करता है। सबसे पहले हमें ये, इसके चार एंटीने हैं। सबसे पहले हमें इसको एंटीने इंस्टॉल करते हैं, इसको सबसे पहले डिवाइस को। तो इस तरीके से हमने सभी एंटीनों को टाइटली इसमें लगाना है, चार की चार एंटीनों को। तो इस तरीके से हमें एंटीना को टाइट लगाना है। ये इसका हैंडल है, हैंडल को इस तरीके से फिर हमारा लोकेटर तैयार है बिल्कुल वर्किंग के लिए। अभी इसमें हमने कोई सैंपल नहीं रखा है, तो ये फ्री हैंड घूम रहा है बिल्कुल। हम जैसे ही इसमें सैंपल रखेंगे तो उसकी चेंजमेंट आ जाएगी। इसका नाम है हमारा रुद्रा 9। अब ये रेडी है, सैंपल हमें इसमें यहाँ पे रखना है। इसमें मैं ये चेन डाल रहा हूँ गोल्ड की। तो ये हमने सैंपल के लिए इसमें चेन डाल दी अपनी, और इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। अब हमारा लोकेटर वर्क करने के लिए रेडी है। हमें सबसे पहले इसके एंटीनों को खोलना है। सबसे पहले हमें इसको डायरेक्शन देनी है नीचे की तरफ, धरती की तरफ। फिर इसको 90 डिग्री में लेके खड़ा होना। मैं आपको ये बताना भूल गया, इसमें बूस्टर दिए गए हैं, ये स्पेशल जो आगे है गोल्ड के लिए है। हमेशा जो लोकेटर में आगे बूस्टर आएगा वो गोल्ड के लिए है, और ये डायमंड के लिए है। जब आपको डायमंड सर्च करना है तो इसको पीछे से उतार के आगे, और इसको आगे, नहीं तो गोल्ड और सिल्वर के लिए आगे वाला ही चलता रहेगा। इसमें बूस्टर, ये स्पेशल बूस्टर दिया गया है गोल्ड और डायमंड सर्च करने के लिए अलग अलग। इसमें अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको गोल्ड का डेमो। इसमें मैंने इसमें गोल्ड रखा है, एक 10 ग्राम की चेन रखी है मैंने इसमें अपनी, और ये मेरे सामने कुछ गोल्ड है। मैं आपको दिखा दूँ सबको, मैंने दिखाया नहीं होगा आपको। ये इसमें 5-7 ग्राम इसमें गोल्ड है। मैं इसी के ऊपर रख देता हूँ इसको, ताकि आप सबको दिखता रहे, और मैं अलग अलग तरीके से आपको इसको डेमो दिखाऊंगा। फिर हम डेप्थ का दिखाएंगे कि डेप्थ कितना कैच करता है। अभी आप देखिए, मैं इस साइड खड़ा हूँ, यहाँ पे एक्यूरेट आएगा बिल्कुल। सेम वही है जैसे हम पहले TFR9 को चलाते हैं, वैसे ही इसको भी चलाना पड़ता है सेम बिल्कुल। हम जैसे ही टारगेट के पास आएंगे, टारगेट को क्रॉस करेंगे, तो इसकी दिशा चेंज हो जानी पीछे।
हम जैसे इस साइड से टारगेट को क्रॉस करेंगे ऐसे ही टारगेट को हमें सेम वैसे ही हम इसका डेमो ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। पास में ये लोहा भी पड़ा है, क्या इसके ऊपर कोई इसका इशू है? ये देखते हैं, जंग खाया हुआ लोहा है, उसकी तरफ इसका कोई वो नहीं है, ये गोल्ड को ही कैच कर रहा है बस, इससे अलग किसी चीज को नहीं कर रहा। ये मैं एक और अलग से रखता हूँ आप सबके लिए दिखाने के लिए। ये ब्रास पीतल वीतल सब अलग अलग रख दिया मैंने कि हम देखते हैं कि सही इन धातुओं को तो कैच नहीं करता है, सब अलग अलग रख दिया मैंने। अब इन तीनों के बीच में खड़ा हूँ मैं, इधर आयरन पड़ा है, जंग खाया हुआ लोहा, इधर ब्रास पीतल और बहुत सारी धातुओं का मिक्स धातु है ये, वो भी हमारे पास में ही है। अब ये देखिए आप, इन तीनों में से सिर्फ गोल्ड को ही कैच कर रहा है, 100% डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, अब आती है डेप्थ की बारी, तो अब हम इसका डेप्थ टेस्ट लेंगे। अब ये देखिए, जैसे ही हम गोल्ड के ऊपर पहुंचेंगे, इसकी स्पीड देखिएगा आप, जैसे ही हम इसको क्रॉस कर जाएंगे तो ये भी घूमना बंद हो जाएगा और उसकी लोकेशन उधर ही मिल जाएगी। हम क्रॉस करेंगे तो ये ऐसे, और हम जैसे ही टारगेट पर पहुंचते हैं तरीके से काम करता है, इसकी रेंज ज्यादा है उससे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल टेस्ट किया था इसका, अभी इतने लंबा जाऊंगा तो इसमें कैमरे में आएगा नहीं, आप खुद टेस्ट करना पड़ेगा वो आपको इसका। अभी मैं आपको दूर तक जाके दिखाता हूँ कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। यहाँ से लगभग 150 फुट के आसपास हुए गए हुए हैं दूरी, और ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा उसकी डायरेक्शन। ये देखिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में गया है गोल्ड, हमारे पास रखा हुआ ना, ये गोल्ड रखा हुआ इसमें, और ये जूम करके मैंने इसको सर्च किया था। अभी धीरे धीरे इसके पास आ रहे हैं, और साइड भी चेंज की उन्होंने अपनी, ये देखिए। ये बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन में आ गए हैं। और जैसे धीरे धीरे इसके पास आ रहे हैं, एंटीना की दिशा बिल्कुल सही दिशा में, बिल्कुल सेम जहाँ गोल्ड रखा है उसी साइड में एंटीना अपना डायरेक्शन दे रहा है। ये देखिए लोकेटर की कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट, ये देखिए गोल्ड मेरे पास ही रखा हुआ है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन हमारी साइड में ही आ रही है।
ये धीरे धीरे साइड में आ रहे हैं ना, लोकेटर किसी भी दिशा में नहीं जा रहा, बिल्कुल सही गोल्ड के पास आ गया है। और ये देखिए टर्न लेने ले गया है, गोल्ड से आगे निकलते ही इसको इसने टर्न ले लिया है लोकेटर ने। अब हम इसको डेप्थ दिखाते हैं, डेप्थ कितना वर्क करता है। तो आप देखिए कितना गहराई में जा रहा है, ये देखिए अब बहुत ही गहराई में जा चुके हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से अब ये कम से कम नहीं तो 10 फुट गहराई में पहुँच गए हैं। ये देखिए, और अब मैं इससे भी हाइट पे जा रहा हूँ जहाँ से इसकी गहराई लगभग 25 फुट के आसपास गहराई है। ये देखिए 25 से 30 फीट कम से कम है, बहुत ही गहराई में है। अभी गोल्ड को इस गड्ढे के अंदर छुपा देंगे और फिर इसकी गहराई चेक करेंगे। अभी ये गोल्ड हम इसमें रख रहे हैं, ये देखिए उन्होंने गोल्ड इसके अंदर रख दिया है और अब मिट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर। आपको हम चेक कराएंगे कि लोकेटर हमारा कितनी गहराई तक इसको सर्च कर सकता है, इसकी डेप्थ, और इसको हम ऊपर से इस हाइट पे आके इसको चेक करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी गहराई कम से कम 15 से 20 फीट गहराई है, और हम इसको 15 से 20 फीट की हाइट के ऊपर आके अपने लोकेटर से इसको सर्च करेंगे गोल्ड को। अब जितेंद्र जी ने इसको रख दिया है गोल्ड को और अब ये ऊपर आ रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है। जितेंद्र जी इस हाइट पे आ गए हैं, लोकेटर उनके हाथ में है। अब ये गोल्ड से लगभग 35 फुट के आसपास साइड में है, और ये देखिए उनका लोकेटर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, उसकी लोकेटर डायरेक्शन बिल्कुल सेम मेरे पास ही है। ये देखिए, और ये मेरे साइड में चले आ रहे हैं क्योंकि गोल्ड बिल्कुल जस्ट मेरे सामने गहराई में है और लोकेटर बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से गिर भी सकते हैं, कच्ची मिट्टी है ये, ज़रा ध्यान रखना अपना जितेंद्र जी। ये देखिए अभी आगे निकल गए हैं तो एंटीना साइड में रिटर्न हो चुका है लोकेटर। ये देखिए ये टर्न लेना चाहता, है लेकिन एंटीना की लंबाई ज्यादा होने के कारण टर्न नहीं ले पाया। आगे गिरने का खाई में वो है कच्ची मिट्टी है, और हम जैसे ही ये, तो आप पहले लोकेटर में भी सुन चुके होंगे, जैसे हम अपने एंटीना को पास में आते हैं तो एंटीना को क्लोज कर देना चाहिए और ये ऑटोमेटिकली ऐसे देखो ऐसे टर्न लेना शुरू कर देगा। देखो बिल्कुल सेम,
और ये गोल्ड है नीचे। अरे धीरे जितेंद्र जी धीरे, गिर मत जाना। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल टारगेट के ऊपर आने के बाद ये टर्न बाय टर्न होने लग जाएगा। अभी मैं आपको दूर से और ये देखिए जितेंद्र जी, आप कुछ दूर जाएंगे अब फिर वही प्रॉब्लम है, काफ़ी दूर चले गए तो एंटीना में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको आपके सामने अभी जूम करके दिखाऊंगा। वे यहाँ से ये मान के चलो आप लगभग 200 फीट, कम से कम 200 फीट दूर गए हैं। अब मैं अपनी मशीन से चेक करना चाहता हूँ हमारा, ये देखिए बिल्कुल लोकेटर डायरेक्शन हमारी साइड में ही दी है। अब ये देखिए बिल्कुल राइट लोकेशन दिखा रहा है। इसकी कैचिंग पावर हमारे पहले जो लोकेटर था उससे काफ़ी ज़्यादा है, उसमें सिंगल एंटीना दिया गया था, इसमें कुछ नई नई चेंजमेंट की गई है जो जितेंद्र जी ने आपको बताया भी और आप आगे बताएंगे। ये देखिए मैं आपको फिर जूम अपने जूम कम करके दिखाता हूँ कितनी दूर हमसे, 200 फीट से ज़्यादा ही है ये हमारे पास आ रहे हैं और एंटीना बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहा है, हमारी साइड में आ रहा है। देखो देखिए अब वो साइड में जा रहे हैं लेकिन फिर भी एंटीने की लोकेशन हमारी साइड में ही है। ये साइड में चले गए हैं अभी लेकिन एंटीने डायरेक्शन हमारी साइड में ही आ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा नीचे गोल्ड है, पहले भी वहाँ उधर वहाँ से कर रहे थे सर्च, अब वे इस साइड में आ गए हैं और लोकेटर बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहा है। धीरे धीरे पास आ रहे हैं लेकिन साइड अभी भी राइट है, जहाँ गोल्ड रखा उसे राइट साइड में ये, लेकिन लोकेटर देखिए, लोकेटर की लोकेशन गोल्ड के ऊपर ही है। बस आगे मत जाना भाई, कच्ची मिट्टी का पहाड़ है ये, गिर जाए तो जान का खतरा हो सकता है। अब ये धीरे धीरे देखिए बिल्कुल सही गोल्ड की लोकेशन में आ रहे हैं, लोकेटर भी बिल्कुल वहीं पे डायरेक्शन दिखा रहा है। अब ये देखिए इधर टर्न हो गया, ये नीचे गोल्ड है जो हमें छुपाया था और ये आगे निकल गए, आगे निकलने के बाद भी एंटीना ने लोकेटर ने डायरेक्शन बिल्कुल गोल्ड के ऊपर लिया है। ये देखिए अब इसकी डायरेक्शन ये आगे निकल गए हैं, फिर से इसकी डायरेक्शन गोल्ड के ऊपर ही चली गई है। अब ज़्यादा ये गोल्ड के पास भी नहीं आ सकते, कच्ची मिट्टी का पहाड़ है, गिरने का डर है। अब ये इन्होंने लोकेटर का एंटीना बंद क्लोज कर लिया है और अब देखेंगे इसके ऊपर आने के बाद ये टर्न करता है या नहीं करता है। ये देखिए टर्न होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसकी रोटेटिंग कम हो रही है, जैसे जैसे ये पास आएंगे ये फिर से रोटेट करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको गोल्ड नीचे दिखाता हूँ, गोल्ड के ऊपर आने के बाद ये राउंड रोटेटिंग हो रहा है। हम 17 से 18 फीट की गहराई में सामान रख के ऊपर से हमने चारों दिशाओं से सर्च करके देखा तो एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट वहीं आता है। और डेप्थ का बहुत सारे कस्टमर मुझे बोलते रहते डेप्थ का अच्छा सा वीडियो बनाइए सर, तो इससे अच्छी ज़्यादा डेप्थ का मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, आप खुद देख लीजिए। इससे आगे राम का नाम है, फिर आगे इससे ज़्यादा डेप्थ का कोई वीडियो बना ही नहीं सकता कभी भी। तो आपने खुद देखा 17 से 18
फिट की गहराई आराम से कैच कर रहा है, और कोई भी आइटम कैच नहीं करता है। ओनली गोल्ड रखा तो हमने गोल्ड ही कैच करता है, अगर हम डायमंड रखेंगे तो डायमंड कैच करेगा। अभी मैं आप अब ये जितेंद्र जी देखिए, ये धीरे धीरे जहाँ गोल्ड को रखा था वहीं पे आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि गहराई इसकी कितनी होगी। मैं आप मिट्टी के पहाड़ से ऊपर खड़ा हूँ, कम से कम 20 फुट के आसपास इसकी गहराई है जहाँ मैं हूँ, और जहाँ से उन्होंने सर्च किया था उसकी गहराई लगभग 15 से 20 फुट की गहराई में गोल्ड रखा हुआ था। अब ये आपके सामने निकाल रहे हैं गोल्ड, ये देखिए इन्होंने गोल्ड को सर्च कर लिया है, निकाल लिया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये गोल्ड था। मैं आपको गहराई भी दिखा देता हूँ, और आप गहराई देखिए 15 से 20 फुट की गहराई है जहाँ से उन्होंने सर्च किया था। 6 फुट के करीब मेरी है, 6 इनकी है, 6 ऊपर 12 और 2 फुट अबाउट, 2 या 2.5 फीट ऊपर हाइट लगा लो, कम से कम 15 फीट ऊपर है। तो आप सबने देखा, हमने इसकी डेप्थ दिखाई आप सबको कि कितनी डेप्थ तक वर्क कर सकता है। इससे ज़्यादा डेप्थ की भी वीडियो बना देते, लेकिन मिट्टी गिरने का भय है उसमें, मिट्टी गिर जाएगी तो ऊपर से नीचे आएंगे। अगर आप सभी जो भी लेना चाहते हैं तो वह मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 8685076875। थैंक यू।